अभी एनडीए में टूट चालू हो गया, जयललिता जी की पार्टी देखिए, इंडिया को कौन तोड़ सकता है भाई। इंडिया को तो सरहद के पार वाले लोग जब नहीं तोड़ पाए तो ये नथुराम गोडसे के लोग, ये सावरकर की अंग्रेज का घोड़ा और बर्तन साफ करने वाले लोग उसका और क्या, ये हकीकत है, इतिहास आप पढ़िए कि अंग्रेज की गुलामी ये करते थे। अब बताइए पार्लियामेंट के अंदर में जो बयान आया तो कितना घटिया बयान आया, क्या बयान, कौन सा बयान? अब बताइए कटुआ बोला जा रहा है, ये क्या है, ये इसका ये तो बाजारी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है बाजार से वो आए हैं, उनके वालिदैन ने उनको सही तरबियत नहीं दिया है। परिवारवाद की बात क्या करें, इनको तकलीफ सिर्फ एक परिवार से है जो इनके आँखों में आँखें डालकर कह सकता है कि तुम हिंदुस्तान के नाम के लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करने वाली अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है, उसके खिलाफ बोलने वाला अगर कोई ताकत है तो वो लालू यादव है। नमस्कार, मेरा नाम अक्षय दीप है और आप वेब समाचार देख रहे हैं। देखिए देश में 2024 लोकसभा चुनाव का जो बिगुल है वो बज चुका है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ राजद के युवा नेता मेहताब सिद्दीकी जी मौजूद है। सर कैसे देख रहे हैं, एक तरफ इंडिया और एक तरफ INDI, दोनों ही तरफ मजबूत है और जो भाजपा वाले हैं वो लगातार अपनी जो दावेदारी है वो मजबूत बता रहे हैं? भाजपा तो मजबूत बताएगी ही, वो तो पार्टी है, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताएगी ही, लेकिन जनता के द्वारा जो हम लोगों का बनाया हुआ, जनता का एक डिमांड था कि ऐसा गठबंधन बने इसमें हर समाज हर धर्म के लोग मौजूद हों और हिंदुस्तान की जो आवाज़ वो इंडिया की शक्ल में निकले। अच्छा। और एनडीए की बात जहाँ तक है तो आप देख रहे होंगे कि अभी एनडीए में टूट चालू हो गया, जयललिता जी की पार्टी देखिए अलग हो गई है। वो तो कहते थे कि इंडिया अलग हो जाएगी, इंडिया गठबंधन, इंडिया को कौन तोड़ सकता है भाई। इंडिया को तो सरहद के पार वाले लोग जब नहीं तोड़ पाए तो ये नथुराम गोडसे के लोग, ये सावरकर की अंग्रेज का घोड़ा और बर्तन साफ करने वाले लोग उसका और क्या, ये हकीकत है, इतिहास आप पढ़िए कि अंग्रेज की गुलामी ये करते थे, इनका इतिहास है, आप इतिहास की किताबों को पढ़ें, जो सावरकर हैं इनके सुप्रीम लीडर हैं उनकी किताबों को आप पढ़िए। अच्छा। तो आपको लगेगा क्या कर्म करते थे, इन्फॉर्मेशन देते थे ये। अच्छा। कि ये कहाँ पे फ्रीडम फाइटर लोग छुपे हुए हैं। हाँ। तो ये सब तो अंग्रेज के लोग हैं और मैं ये चीज़ को बहुत ही बेबाकी से बोलना चाहूँगा, आज़ादी से पहले दो विचारधाराएँ थी, एक मुस्लिम लीग की शक्ल में जो मुस्लिम कट्टरवाद फैला रहा था इस देश में और दूसरे तरफ ये जनसंघ के लोग थे जो हिंदू कट्टरवाद फैला रहे थे। और लेकिन जिस धारा में हम लोग चलते हैं, समाजवाद धारा में, वो हिंदू मुस्लिम जो भी लोग हैं सबकी तरक्की के लिए, सबको खुशहाल करने के लिए, समाज में प्यार मोहब्बत अमन व शांति को बनाने के लिए हमारी समाजवादी विचारधारा है। इसके गांधी कहते हैं मोहब्बत की दुकान लगाते, बिल्कुल हमारे नेता भी तो कह रहे हैं। अब एक चीज़ आप देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में बिहार ही पहला प्रदेश होगा जहाँ जॉब वैकेंसी इतनी आ रही है कि लोगों को ये धर्म वर्म की राजनीति समझ ही में नहीं आ रही, सब विकास की तरफ बढ़ रहे हैं। दिनों ही तो देश के प्रधानमंत्री ने 51,000 जॉइनिंग लेटर दिया है। इधर जुमलाबाजी है, वो फिर बोल देंगे कि जुमला था ये 15 लाख की तरह। हाँ। और क्या इनकी बातों में क्या है, यकीन आप कर सकते हैं? जो गारंटी मोदी जो गारंटी देता है वो गारंटी पूरा, तो लग रहा है आपको, देख रहे हैं ना आप, तो 14 में तो बोले थे कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, इसका मतलब है कि उनकी जबान झूठी है या कुछ खा के आते हैं वो बोलने के लिए। जब हम अपने शब्दों का जब हम चयन करते हैं वो हमको याद नहीं रहता है, 5 साल के बाद हम कहते हैं कि भाई वो जुमला था, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तड़ीपार थे गुजरात सरकार के वक्त में, जब इसको हाई कोर्ट ने लतार लगाया तो भागा स्टेट छोड़ के, जो आज गृह मंत्री है, उनका कहना था कि ये जुमला है। अच्छा। भाजपा तो हर चीज़ों को जुमला बना देती है। अच्छा। असल है कि इसके अंदर में जितने लोग हैं ये समाज का बिगाड़ तबका इसके अंदर में है, सबसे बिगाड़ तबका अगर कोई है तो वो एनडीए के अंदर में। हाँ। अब बताइए पार्लियामेंट के अंदर में जो बयान आया। हाँ। तो कितना घटिया बयान आया, क्या बयान, कौन सा बयान? अब बताइए कटुआ बोला जा रहा है, ये क्या है, ये इसका ये तो बाजारी लफ्ज का इस्तेमाल कर रहे हैं, लग रहा है बाजार से वो आए हैं, उनके वालिदैन ने उनको सही तरबियत नहीं दिया है या तरबियत गलत दिया है, तो जो आज वो कचड़ा निकाल रहे थे पार्लियामेंट में, जहाँ हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, जहाँ पर लोगों के भविष्य के लिए निर्माण की तैयारी की जाती है कि लोगों का भविष्य कैसे अच्छा होगा, वहाँ पे एक वाहन विशेष के ऊपर वहाँ वो असल अपने जमान से पैखाना निकाल रहे थे। हाँ हाँ, उनका वो रास्ता बंद हो गया था तो मुंह से निकाल रहे थे, पीछे देखा जा रहा था कि डॉक्टर हर्षवर्धन और पूर्व रक्षा मंत्री क्या करेंगे, वो सब तो समाज पे कलंकित लोग हैं।
आप बताइए एक बड़े तबके को आप इस तरह, जिसकी आज़ादी में इतनी बड़ी कुर्बानियाँ रही हैं, रेशमी रुमाल तहरीक, खिलाफत मूवमेंट, महात्मा गांधी जी ने जिसको सपोर्ट किया हो, आए साइमन कमीशन में मौलाना आज़ाद वगैरह का देख लीजिए, ये सारे लोगों का, उसके बावजूद ये लोग क्या बात करेंगे? आप तो ऑफिशियल सब है, लेटर है, आप जाके देखिए किसने माफ़ीनामा लिखा अंग्रेज़ को और किसने सूली को चूमा, कफन को चूमा, ये इतिहास में आप जाके पढ़िए ना। जज एक सवाल और रहेगा, देश के प्रधानमंत्री लगातार आरोप लगाते रहते हैं कि ये गठबंधन है, परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। तो उनके पार्टी में परिवारवाद नहीं है, जैसा क्या है, जैसा से ज़्यादा काबिल तो हम लोग हैं, एम ए किए हुए हम लोग, तो पॉलिटिक्स में नहीं हो तो बीसीसीआई तो पॉलिटिक्स के द्वारा ही चयन करके जाता है ना। अच्छा, आए और उसके बाद जो राजनाथ सिंह जी के लड़के हैं और वो जो कांग्रेस से जो वसुंधरा ये क्या नाम है उनका, जो कांग्रेस से भाग के गए हैं भाजपा में, अच्छा, वो पायलट नहीं, अरे सिंधिया जी जो है, अच्छा, वो सब कौन है इनके पार्टी में? और उत्तर प्रदेश में, बिहार में तो आप मान लिया जाए राम कृपाल जी का लड़का है, एक्टिव है पॉलिटिक्स में, और भी कई लोग हैं, तो सब लोग तो है ही हैं पार्टी में। परिवारवाद की बात क्या करें, इनको तकलीफ सिर्फ एक परिवार से है जो इनकी आँखों में आँखें डाल कर कह सकता है कि तुम हिंदुस्तान के नाम के लोगों के फ्यूचर को बर्बाद करने वाली अगर कोई पार्टी या कोई व्यक्ति है तो वो नरेंद्र मोदी है, उसके खिलाफ बोलने वाला अगर कोई ताकत है तो वो लालू यादव है। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर जो फिरका परस्त ताकत है, फस्ताई ताकत है, फासिस्ट लोग है, उसके खिलाफ अगर सबसे बड़ा महाज अगर किसी ने हिंदुस्तान में खोला है आज़ादी के बाद, तो उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मोहतरम लालू प्रसाद यादव जी हैं, जिन्होंने कभी भी ऐसी ताकत को पनपने नहीं दिया। और आज भी इंडिया गठबंधन मजबूत अगर है, मजबूत रहेगा और सारी सीटों पर कामयाबी हासिल करेगा। सवाल और रहेगा, कह रहे हैं कि पार्टी बंटवारे, सीट बंटवारे को लेकर आपस में काफ़ी मतभेद हो जाएगा, कोई पीएम मटेरियल नहीं दिख रहा, कोई चेहरा नहीं दिख रहा है। वो अपना देखें, उनकी तरफ से तो चेहरा है, चेहरा क्या है, वो आरएसएस क्या फैसला करेगा रात में, उनको क्या पता है। आरएसएस कल चाहेगा मोदी जी को बौना कर देगा, मोदी जी को भी हटा सकता है, आरएसएस में पावर है जी, क्या बात कर रहे हैं आप? कहना चाह रहे हैं कि आरएसएस चला रहा है? बिल्कुल, ये कौन नहीं जानता, उसका पॉलिटिकल विंग है। हाँ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है, हाँ, उसका छात्र विंग है। हाँ। इसी तरह राजनीतिक विंग जो है उसका भाजपा है, ये कौन नहीं जान रहा, ये कोई नई बात है क्या? आप इतिहास नहीं पढ़ते हैं क्या? आरएसएस जो है एक उसका सुप्रीम लीडर है, उसके उसकी किताबें हैं बंच ऑफ थॉट, वी आर नेशन डिफाइंड, उससे बढ़कर आप पढ़िए जो महाराष्ट्र में 2024 में भाजपा हट जाएगी, मोदी हट जाएंगे, बिल्कुल खत्म है इस कॉन्फिडेंस से पूरा। देखिए कभी भी नफरत कभी नहीं जीतता है, पूरा कॉन्फिडेंस में क्या है। देखिए आप इतिहास, बिहार में कितनी सीट लाएगी? 40 में 40 आ रहा है इंडिया को, 40 में 40 भाजपा को भागने का बिहार से। चलिए, तो हमारे साथ मेहताब जी मौजूद थे। देखिए 40 में 40 सीट राजद के युवा नेता है साफ तौर पर कह दिया कि बिहार में 40 में 40 सीट जगह इंडिया गठबंधन बिहार में 40 में 40 सीट लाने वाली है और इस बार सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा, ये दावा कर रहे हैं राजद के युवा नेता मेहताब जी। तमाम खबरों के लिए आप बने रहे वेब समाचार के साथ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें। धन्यवाद।